सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 15 इंची का टॉप जो है उसका बॉक्स कहाँ से लें, कितने में लें, कितने में पड़ेगा, और जो है इसमें स्पीकर्स एंड ट्विटर कनेक्शन भी बताने वाले हैं आप सभी को। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, आगे आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। एंड गाइस, आप सभी के बहुत 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 कहे जाने पर हम लोगों ने ये वाला वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि हम मार्केट से डीजे जो है ख़रीदें या फिर घर पे ला के सेट करें या फिर टोटली अपने घर पे ही इसको बनाएं। तो चलिए फटाफट से हम इसको जाले को खोल लेते हैं, उसके आगे का आपको अंदर का दिखाते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है। सो गाइस, सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि इसको MDF से बनाया गया है एंड इसके अंदर की बनावट को आपको दिखाते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ये कुछ रुई की तरह है इसको लगाया गया ताकि हमारा जो बेस और मिड है थोड़ा अच्छे से आ सके, कन्वर्ट होके। तो इसको इस तरीके से इसलिए लगाया जाता है। एंड यहाँ पे इसकी बनावट्स को आप देख सकते हैं। एंड गाइस, हमारे पास जो स्पीकर्स निकाले गए थे दूसरे डीजे से, उसका जो है बॉक्स ख़राब हो गया था थोड़ा, तो यहाँ पर उसका स्पीकर्स है। तो इसी को आज हम नए वाले टॉप में सेट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आपको दिखाते हैं। तो गाइस, जैसा सब आप सभी को मालूम होगा कि हम इसमें 2 स्पीकर्स एंड 1 ट्विटर लगाने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं, सबसे पहले हम ड्रिल मशीन से इसको ड्रिलिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से बराबर रख के आपको ड्रिलिंग कर लेना है। ड्रिलिंग करने के बाद हम इसको फटाफट से कस लेते हैं, उसके बाद आपको साइड से इसकी कनेक्शन दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है, देख सकते हैं। तो गाइस, सिंपली हमारा ये ड्रिलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। एंड इसमें जो नया ट्विटर लगाने वाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, M7 और D450 इसका मॉडल नंबर है। तो ये 80 वाट का ट्विटर है जो कि हम इसमें सेट करने वाले हैं। एंड इसमें जो खास बात है कि इसमें आपको सोल्डिंग नहीं करना रहता, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको इसे पुश करना है एंड इसके अंदर से वायर आप लगा देंगे तो यहाँ से काम हो जाएगा। तो आइए इसका कुछ और डिटेल्स आपको दिखाते हैं जो कि इसके बॉक्स पे है। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक है, डिजाइनिंग भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसके कुछ जनरल जो है दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कितने इंची का वाइस कॉइल लगाया गया है, कितने वाट का है एंड इसके कंपनी के नेम। एंड यहाँ पर HF ड्राइवर जो है इसका यहाँ पर दिया गया है, इसको भी अलग से लिए हैं हम लोग जो कि इस बॉक्स में हम लोग सेट कर सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें 4 वायर हैं एंड इन एंड आउट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर लिखा भी हुआ है, तो आप इसको देख के सिंपली कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए फटाफट से आगे काम चालू करते हैं। गाइस, उसमें जो है उस वीडियो में हम लोगों ने पूरा कनेक्शन वहीं पे नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो कुछ गड़बड़ हो जाने की वजह से वो डिलीट हो चुका है। एंड गाइस, आप सभी को यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 1 स्पीकर एंड 2 स्पीकर एंड इधर HF लगा हुआ है एंड ये यहाँ पे उसका HF ड्राइवर। तो अभी इसका कनेक्शन आप सभी को बताते हैं। सिंपली जो DJ के बाहर का इसका वायर होता है तो इस तरीके से ले जाना, ये वाला प्लस मान लीजिए, ये वाला माइनस। तो यहाँ पे सिंपली प्लस वाले को इसमें प्लस में कनेक्शन कर देने हैं एंड कनेक्शन करने के बाद फिर ये दूसरा वाला स्पीकर में इसको प्लस में ले जाना है एंड यहीं से सीधे तीसरे वाले HF जो है हमारा इसके भी प्लस में। तो सिंपली इस तरीके से जो है पैरेलल कनेक्शन आप सभी को करना है। एंड यहाँ से जो माइनस वाला है सिंपली ले जाके माइनस में एंड यहीं से सीधे दूसरे वाले स्पीकर माइनस में एंड तीसरे वाले। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने बॉक्स को। तो गाइस, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो एंड कुछ और जानकारी भी चाहिए तो प्लीज़ गाइस कमेंट करिएगा आप सभी। तो गाइस, सिंपली अभी हम इसको लगाने वाले हैं फटाफट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो HF ड्राइवर की तरफ का जो है आउटपुट, इसको लेके हम HF ड्राइवर में कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है माइनस ब्लैक होता है एंड जो बचा वो रेड हो गया वो प्लस। तो इसको सिंपली कनेक्शन करके हम इसको फटाफट से सेट कर देते हैं एंड नीचे उसके ही जहाँ तक वायर जाए आपको उसको ड्राइवर को जो है इस तरीके से आपको सेट कर देना है। यहाँ पे फटाफट से कर देते हैं गाइस, आप सभी को आगे दिखाते हैं। एंड गाइस, ड्राइवर सेट हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो इसके ट्विटर है उसके होल्डर को जो है इधर सेट कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद गाइस हम लोग सिंपली
जो हमारे स्पीकर से उनको सोल्डरिंग की मदद से इसको सेट कर लेते हैं फटाफट से। सो गाइस तब तक के लिए सेट हो रहा है, तब तक के लिए आगे आप सभी को जो है इसके डिटेल्स दे देते हैं। एंड गाइस हमारा जो 15 इंची का बॉक्स है हमें 3800 रुपये में पड़ा है, 3800 में। एंड इसको गाइस अगर बताएं कि अगर आप मैकेनिक हैं या फिर आप अपने से ही कर सकते हैं तो आप इसको घर पे बनाएं, क्योंकि आप इसके जो मोटाई है इसको बढ़ा सकते हैं एंड इसको और हैवी भी बना सकते हैं। तो हम लोग को अपने काम के लिए थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने तैयार करके किसी को देना था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसको घर पे ही किया जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा सेट कर दिया एंड ये आखिरी वाला है। तो गाइस अगर आप चाहें तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, अगर टाइम है तो आप खुद ही घर पे बनाएं तो अच्छा रहेगा। तो गाइस और अगर आपको भी अदर चीज़ कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट कर दीजिएगा, आप सभी को रिप्लाई मिलेगा। एंड इसके बाद किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ प्लीज़ कमेंट करिएगा। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।